हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका लव गुरु। आप सबका स्वागत करता हूं मेरे प्यारे लव गुरु चैनल में। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं अकेलेपन को कैसे दूर करें। फ्रेंड, टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे लव गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड लाइक कॉमेंट शेयर जरूर कर देना। अकेलेपन को कैसे दूर करें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेले रहने के लिए नहीं बना है। सही तरह जीवन जीने के लिए उसे समाज चाहिए, जिसके साथ वह अपनी बातें कर सके, अपने मन की बातें कर सके। पर कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जब व्यक्ति अकेला हो जाता है, जैसे कि किसी व्यक्ति की नौकरी किसी दूसरे शहर या प्रदेश या राज्य में लग जाती है तो व्यक्ति हम अकेला पड़ जाता है। जीवन साथी की मृत्यु समय भी व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। शोध में यह पता पाया है कि जो लोग अकेले रहते हैं वो बहुत ही जल्दी तनाव, चिंता या मानसिक समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं। जो लोग अपने परिवार, दोस्तों, यारों, रिश्तेदार के साथ बिताते हैं, अपने विचार को शेयर करते हैं, वो ज्यादा खुश रहते हैं, उनका नजरिया भी सकारात्मक भी होता है। ऐसे लोगों जीवन में अनेक ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अकेलेपन से बचने के लिए कुछ जरूरी टिप्स देंगे। पहलू, घर से बाहर निकले। बहुत से लोग अपने काम के इतने व्यस्त हो जाते हैं, वो वापस से घर से वापस जाने की जिंदगी जीते हैं, उन्हें अपने पड़ोसियों से बात करने का भी वक्त नहीं मिलता है। ऐसे लोग अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। आपके पास जब भी वक्त मिले या हो, आप अपने पड़ोसियों को जाके मिले, उनसे हालचाल पूछे, आपके पड़ोस के कंज्यूमर सेंटर जाकर भी लोगों से बात कर सकते हो। जब भी किसी शादी पार्टी समूह या बुलाया जाए तो जरूर जाए, वहां जाकर दूसरे लोगों से अपने विचार बांटे। इस तरह आप अपने अकेलेपन से बच सकते हो। हमेशा घर में ना घुसे रहे। जो लोग घर में अपने आप को कैद कर लेते हैं वह अकेलापन को अस्वीकार हो जाता है। बीजू, पालतू जानवर पाले। विदेशों में तो पालतू जानवर पालने का बहुत ही अधिक क्रेज है। ऐसा कोई घर नहीं होता जिसमें पालतू जानवर नहीं होता। आजकल लोग कुत्ते, बिल्लियां, गायों, घोड़ों को विशेष रूप से पालतू बनाते हैं। यदि आप भी अकेलापन का शिकार हो गए हो तो कोई अच्छा सा कुत्ता पाल लीजिए, उससे उसके साथ आप खेल सकोगे, बात कर सकोगे और हंस भी सकोगे। इससे सुबह शाम घुमाने के लिए आपको बाहर जाना है ही होगा। इस तरह भी आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। तीजू, सोशल साइट का इस्तेमाल करें। आजकल अकेलापन को दूर रखने के लिए बहुत ही सारी सोशल साइट आ गई है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर जाकर आप अपने अकाउंट बनाइए और लोगों से दोस्ती करें। यकीन करें, यह विधि आपके बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि आजकल बड़े बुजुर्ग और बच्चे भी सोशल साइट पर हमेशा ही चिपके रहते हैं। धीरे धीरे आप भी बहुत सारे दोस्तों बना लेंगे, फिर कभी भी आपको अकेलापन का सामना नहीं करना पड़ेगा। चौथा, परिवार के सदस्यों के साथ वक्त बिताएं। बहुत से लोग अपने परिवार के सदस्यों के अहमियत नहीं देते हैं। वो खुद को बड़ा समझते हैं। इस तरह के लोग अकेले रह जाते हैं। सच्चे व्यक्ति वही होता है जो परिवार के सदस्यों को प्यार दे, इज्जत दे। इसलिए आप अपने परिवार को सदस्यों को, भाई बहनों, पत्नी, बच्चों के साथ वक्त बिताएं, उन्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाएं। इस तरह अकेलेपन से बच सकते हो। पांचवा, दोस्तों के साथ वक्त बिताएं। इस दुनिया में ऐसा कोई
कौन सा व्यक्ति है जो दोस्तों से बात करना पसंद नहीं करता है। जब भी आप अकेलेपन का सामना कर रहे हो करे तो परंतु तो तुरंत ही अपने दोस्तों को फोन द्वारा बात कर लेंगे या अपने घर भी जाकर आप उनके घर भी जाकर वक्त बिता सकते हैं। ये बहुत ही बेहतर तरीका है, आपको अपने विचार शेयर करने का मौका मिलेगा। यदि आपके दिल पर कोई बोझ है तो उसे भी आप शेयर करो। छठू, शॉपिंग के लिए जाएं। बहुत से लोग को शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है, यह भी अकेलापन दूर करने का बहुत अच्छा विकल्प है। आप अपने शहर के मॉल में जाकर मनपसंद कपड़े, सामान, किताबें, खाने पीने का चीजें, दूसरे चीजें भी खरीद सकते हैं। इस काम में बहुत ही समय लगता है, इसलिए आपका बहुत सारा समय इसमें कट जाएगा। सातवां, पार्क में जाए। हर जगह कोई ना कोई पार्क जरूर होता है जहां पर बहुत से लोग आए होते हैं। यदि आप अकेलापन का सामना कर रहे हैं तो आप अपने पास एक पार्क में जाकर समय बिता सकते हैं। वहां पर आपकी उम्र के लोग भी मिल जाएंगे जिससे आप दोस्ती भी कर सकते हो और बातचीत भी कर सकते हो। आठवां, अपनी मनपसंद किताबें पढ़ें। यदि आप अकेले पढ़ गए हो तो आप अपनी मनपसंद किताब पढ़कर अपना अकेलापन दूर कर सकते हो। यदि विधि बहुत प्रभावशाली है, किताबों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे वे कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, इसलिए आप भी अपनी मनपसंद किताबें पढ़िए। दसवां, संगीत सुने। संगीत सुनकर भी आप अपने अकेलापन को दूर कर सकते हो। अपने मनपसंद संगीत को साइड पर प्ले कर सकते हो, इससे आपको ऐसा लगेगा कि घर में कोई परिवार का सदस्य है। बहुत से लोग को संगीत सुनने का शौक होता है, अकेलापन से बचने के लिए बहुत ही अच्छा विधि है। दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जिन्हें अपनाकर आप अपने अकेलेपन को दूर कर सकते हो और अपनी लाइफ को खुशनुमा बना सकते हो। आप जब भी अपनी लाइफ में खुश होगे तो आपकी लाइफ भी बेहतर होगी। हमारी लाइफ एक बहुत ही नई नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है और जिसमें दुख या सुख वाली गाड़ी चलती रहती है। तो आप हमेशा खुद को पॉजिटिव रखते हुए ही आगे बढ़े और अपनी हर मुश्किल से डटकर सामना करें। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना और साथ ही हमारे लव गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना।